तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ उदयपुर, जो है झीलों का शहर और बहुत ही खूबसूरत है। तो आज की जो सुबह है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है और ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको उदयपुर की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और बताना कि ब्लॉग कैसा लगा है। और चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ के आपको खूबसूरत व्यू दिखाने की, और उसके बाद आपको लेके जाऊँगी यहाँ की लोकल मार्केट में। ये वाला जो आप लेक देख रहे हैं, इस लेक का नाम है फतेह सागर, और इसके बीच में जो ये टापू नज़र आ रहा है, इस टापू को नेहरू उद्योग के नाम से जाना जाता है। और साथ में अगर यहाँ पे ग्रीनरी की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर ये जगह है, क्योंकि उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर ये किले आपको नज़र आ जाएंगे, और साथ में ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है, ब्लर हो रहा है और बहुत धुंधला नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं दिख पा रही है। लेकिन जितना चीज़ें दिख पा रही हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो यहाँ पर जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, मैं आपको वो होटल भी दिखाऊंगी और कैसे बुकिंग करनी है और कैसे आपको आना है, ये सब कुछ, ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वैसे तो उदयपुर में बहुत ही सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, लेकिन आज मेरा पहला दिन है और इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से फतेह सागर, वहाँ पे करने वाले हैं हम बोट राइडिंग। तो ये जो सामने आप खूबसूरत सा महल देख रहे हो, ये कोई महल नहीं है, ये यहाँ का होटल है जो बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या है होटल का नाम ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले वॉक करते हैं, हम नीचे चलते हैं, और सामने ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, और ऑटो कर लिया है हमने फतेह सागर का, जिसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। फतेह सागर पहुंच चुकी हूँ और सबसे पहले ले लिया है सनग्लासेस, धूप भी ज़्यादा थी और घर से लाना भूल गई हूँ, और यहाँ पर 100-100 रुपये के मिल रहे थे जिससे फ़ोटोज़ भी अच्छी आएगी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो ले लिया। और साथ में अब मैं आपको बता देती हूँ बोट राइडिंग की प्राइस क्या क्या है। तो अगर आप स्पीड वाली बोट में बैठेंगे तो उसका प्राइस है 236 पर पर्सन, और अगर आप नॉर्मल में बैठेंगे तो उसका प्राइस है 118 पर पर्सन। तो टिकट ले ली है और अब यहाँ से वॉक करते हुए आगे जाना होगा, और उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा और फिर आप बोट राइडिंग इन्जॉय करेंगे। लाइफ जैकेट पहनने के बाद हम लोग बोट में बैठ रहे हैं, और एक बोट में 7 पर्सन अलाव होते हैं। इसमें 2 पहले ही आगे बैठ चुके थे, मेरा मन था आगे बैठने का पर आगे की सीट गिर गई थी, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ गई। और यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो इसकी स्पीड का है। बोट राइडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ बाहर रोड की तरफ, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। और यहाँ पे कुछ लोग, आपने देखा कि यहाँ पे घुड़ सवारी का अभी वेट कर रहे हैं, और ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ पर ऊँट सवारी भी होती है और घुड़ सवारी भी होती है। और यहाँ पे अगर वैसे आप घूमने आ रहे हैं तो पैदल चलने में बहुत ही मज़ा है। वॉक करते जा रहे थे हमें, तो रास्ते में ये मंदिर नज़र आया, और छोटा सा था, किनारे पे बना हुआ था, तो काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है। और इसके बाद जैसे वॉक करके आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा बच्चा है
जो घोड़े की सवारी कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहा है। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो दिन से बारिश थी, बहुत हल्की बारिश थी। और यहाँ ये ऊंचे पहाड़ पे देखो एक किला नज़र आ रहा है, बहुत दूर है लेकिन देखने में लग रहा है जैसे कितना पास होगा। तो यहीं से वॉक करते हुए अगर आप जाएंगे तो यहीं से स्ट्रीट फूड शॉप शुरू हो जाएगी और बहुत सारे खाने के ऑप्शन हैं यहाँ पे। मैगी खाओ, पाव भाजी है, बर्गर है, गोलगप्पे हैं, टिक्की है, और भी कई सारे आइटम खाने के आपको नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और सबसे खास बात की रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा बहुत महंगी डिमांड नहीं है। आपको नॉर्मल पैसों में भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाएगी, मोमोज भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सामने ये जो ये एंटिक ज्वेलरी मुझे नज़र आ रही है, तो चलिए वो ये देख लेते हैं। अब ये डिज़ाइन है तो बहुत सुंदर, दिल्ली में भी मिल जाते हैं, पर यहाँ के जो झुमके लगा रखे हैं डिज़ाइन बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। झुमके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, इतना सुंदर डिज़ाइन था और इतना लाइट वेट था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा कि कितने के हैं, तो भैया ने रेट ज़्यादा बताया, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ यहाँ से वापस जाती हूँ तो हो सकता है ये रोक कर रेट कम कर दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, दूसरी मार्केट चलते हैं, क्या पता वहाँ पर कुछ इससे अच्छा मिल जाए। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह की शॉप भी बनी हुई है जहाँ पे आप खाने के साथ साथ लेक का खूबसूरत नज़ारा भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे जाना था मार्केट यहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। ऑटो वाले भैया ने बताया कि आप जिस तरह का सामान ढूंढ रहे हैं आपके लिए हाथी पोल मार्केट बेस्ट रहेगी, तो इसलिए हमने इनकी बात मानते हुए और अब हम चल दिए हैं हाथी पोल मार्केट। लेक वाले एरिया से निकलने के बाद जैसे आप बाहर आएंगे तो आप सिटी में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे ये चौराहा बना हुआ है और यहाँ से होते हुए ऑटो वाले भैया हमें ले गए हैं वैक्स म्यूजियम पर। लेकिन मुझे जाना था मार्केट। दोस्तों हाथीपोल मार्केट में पहुंच चुकी हूं और जैसे ही मैं यहां पे पहुंची तो बहुत सारी शॉप मुझे नज़र आ रही थी जो राजस्थानी कपड़ों के लिए तो मशहूर है ही, और साथ ही यहां पर कॉटन के फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा प्यारे मिल रहे थे। जैसे कि यहां पे देखो ये लहंगा सेट देख रहे हो आप, कुर्तीज़ देख रहे हो, दुपट्टा है यहाँ पर और साथ में साड़ी भी है। हाथी पोल मार्केट सिटी एरिया में मौजूद है और यहाँ पे आप शॉपिंग के साथ साथ यहाँ के स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं, और साथ ही अगर आपको दाल बाटी पसंद है तो वो भी आपको यहाँ पर आसपास खाने को मिल जाती है। हाथी पोल मार्केट मशहूर है अपने फैब्रिक और अपने डिज़ाइंस के लिए। तो पूरे मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद आखिरकार मुझे एक शॉप नज़र आ गई जहाँ की कुर्ती मुझे पसंद आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा साइज़ ले रही हूँ क्योंकि लूज़ कुर्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो देखती हूँ भैया से अगर वो साइज़ मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। और फाइनली अब मुझे कुर्ती मिल चुकी है, तो मैंने सोचा कुर्ती लेने के बाद थोड़ा आगे और घूमा जाए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, यहाँ पर ये देखिए संदूक वगैरह की भी शॉप है, एल्युमिनियम का जो सामान मिलता है उसकी शॉप है, और साथ में जैसे कहते हैं ना जयपुरी बेडशीट, जयपुरी रजाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं तो वो भी यहाँ पर मिल रही हैं, और यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस भी मिल रही हैं लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग तरीके का है। और हाथीपुर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो यहाँ की कुर्तीज़ हैं जो बहुत ही प्यारी हैं, और अगर साड़ी अगर आप यहां से आकर लेना चाहते हैं तो साड़ी भी आपको नॉर्मल मिल जाएगी।
शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब खाया जाए यहाँ का स्ट्रीट फूड। मार्केट में मैं घूम ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र जाती है यहाँ के गोलगप्पों पर, जो यहाँ का अलग टेस्ट था। यहाँ पर गोलगप्पों में आलू नहीं छोले की सब्जी भरी जा रही थी और वो गर्म होती थी और साथ में चटनी लगा के दिया जा रहा था और पहले इन्होंने प्याज दे दिया हमें, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट था लेकिन अच्छा था और जायका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया इसे खाकर। तो हमने जितने खाने वाले थे उससे ज़्यादा खा लिया। गोलगप्पे खाने के बाद अब मेरी नज़र जाती है इस सब्जी के ठेले पर जहाँ पे है बालम ककड़ी। ये खीरा ककड़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा मोटी बिना बीज का होता है। मैंने तो पहली बार देखा ऐसा खीरा और ये देखिए वाइट रंग का स्वीट कॉर्न। तो मार्केट पूरी एक्सप्लोर हो चुकी है, शॉपिंग जो करनी थी वो कर चुके हैं और अब हम यहाँ से चल दिए हैं। कहाँ हम जा रहे हैं? कृष्णा दाल बाटी पर, यानी कि ये उदयपुर की सबसे ज़्यादा मशहूर दाल बाटी शॉप है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो लोकल मार्केट हम पूरी घूम चुके हैं लेकिन अगर आप लोग ब्रांडेड सामान लेना चाहते हैं या ब्रांडेड क्लोथ लेना चाहते हैं तो उसके शोरूम भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये सारे शोरूम हैं जो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं कृष्णा दाल बाटी रेस्ट्रो। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और टेस्ट करते हैं यहाँ की मशहूर दाल बाटी, क्योंकि राजस्थान आए हैं और दाल बाटी ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम भी टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसी है यहाँ की दाल बाटी। कृष्णा दाल बाटी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सेपरेट दाल बाटी भी मिल जाती है और साथ में अगर आप थाली लेते हैं तो उसके साथ भी आपको दाल बाटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग्स है, आपको यहाँ पे आने के लिए जो टाइमिंग है वो है सुबह के 11 बजे से दोपहर के 4 बजे तक और साथ में शाम के 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक ये ओपन होता है रेस्टोरेंट। अगर बीच में आप आते हैं तो रेस्टोरेंट आपको क्लोज मिलने वाला है। तो दाल बाटी हमारी आ चुकी है तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज और स्पाइसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं दाल बाटी। दाल बाटी यहाँ की लोकल डिश है तो मे भी यहाँ के लोकल लोगों को ही ज़्यादा पसंद आती हो, क्योंकि मैंने पहली बार दाल बाटी खाई तो मेरे लिए एवरेज थी, कुछ कह नहीं सकते। और अब ऑटो कर लिया है वापस जाने के लिए, यानी कि अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। और होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो उसकी डिटेल भी आपको मिलने वाली है आने वाले पार्ट में। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आप लोग भी अगर राजस्थान घूमने आए हैं या उदयपुर घूमने आए हैं तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या और मेरी वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो ये आपको जरूर बताना है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बाय, टाटा, शब्बा खैर।